चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको राजस्थानी स्टाइल में कढ़ी पकौड़े की सब्जी बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 5 बड़े चम्मच बेसन लिया है, जिसमें मैंने आधा चम्मच धनिया, नमक, आधा चम्मच मिर्च, हींग, सौंफ और जीरा लिया है। इसका हम एक अच्छा सा एक पकौड़ी का जैसा पेस्ट बना लेंगे। उससे पहले हम कढ़ी बना लेते हैं। उस कढ़ी के लिए मैंने आधा प्याला छाछ लिया है और इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल इसके जो लम्स थे वो बिल्कुल हटा लिए हैं, बिल्कुल इसको छाछ बना लिया है। इधर मैंने ये लहसुन का पेस्ट लिया है, ये मैंने बेसन लिया है, जितनी ज़रूरत होगी हम इसको कढ़ी में मिलाएंगे। एक प्याज लिया है, एक हरी मिर्च ली है, एक टमाटर और कड़ी पत्ते लिए हैं। इधर मैंने ये जीरा लिया है, राई लिया है, एक बड़ा चम्मच मैंने धनिया लिया है, आधी चम्मच मिर्च ली है, नमक लिया है और मैंने ये हल्दी ली है। मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है और ये गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम जीरा और हींग डाल देंगे। हींग मैंने बिल्कुल पिंच जितनी ली है और राई डाल देंगे, जिसे हम अच्छे से लाल होने देंगे। और जीरा अच्छे से सिक चुका है, तो अब इसमें हम प्याज और ये हरी मिर्च डाल देंगे। ये कड़ी पत्ते हैं, हम ये भी डाल देंगे। इसे हम अच्छे से लाल होने देंगे, सुनहरी हो जाएंगे। तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं और कड़ी का अच्छा सा पेस्ट भी बना लेते हैं। ये लहसुन का पेस्ट है, इसमें हम ये धनिया, मिर्च और नमक और हल्दी डाल देंगे। इसका हम अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और इसी में हम टमाटर भी डाल देंगे। इसके अलावा हम इसमें जो ये छाछ है इसमें हम बेसन डालेंगे। ये मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि बेसन का कोई लम्स ना रहे। ये प्याज हमारे अच्छे से सुनहरी हो गए हैं और इसमें से कड़ी पत्ता की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो अब हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार किया है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको मसाले को पकने देंगे। 3 मिनट हो गए हैं और ये हमारा मसाला अच्छे से बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसमें जो हमने बेसन का एक छाछ का एक घोल तैयार करा था ये हम डाल देंगे। वो डालने के बाद इसे हम लगातार हिलाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करने से छाछ के फटने का डर होता है। इसको जब तक उबाल नहीं आएगी तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। कढ़ी में अच्छा सा उबाल आ गया है, अब इसको चलाने की जरूरत नहीं है और इसे हम दूसरी गैस पे रख देंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसमें बॉईल आने देंगे ताकि इसमें अच्छा ये बेसन अच्छे से पक जाए। इसको कम से कम आप चाहें तो आधा घंटा भी इसे इस तरह से चलने दें, बिल्कुल मीडियम आंच पे। अब इसे हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरी गैस पे और हम पकोड़े की तैयारी करेंगे। अब कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो अब हम जो ये बेसन का जो लिया है पकोड़ी के लिए, इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक अच्छा सा पकोड़ी का पेस्ट तैयार कर लेंगे। न ज्यादा हम इसे गाढ़ा रखेंगे न पतला रखेंगे। इधर मैंने तेल भी गर्म होने चढ़ा दिया है। ये मैंने अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है और इसे मैंने 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था और 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम ये जो मैंने तेल चढ़ाया है इसमें हम पकौड़ी डालते जाएंगे। पकौड़ी आप अपने हिसाब से मोटी पतली भी कर सकते हैं।
ये पकौड़ी एक तरफ से सिक गई है तो अब हम इसे दूसरी तरफ से भी पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। और इसे हम बिल्कुल सुनहरी, तो बिल्कुल इसको सुनहरी होने देंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। मीडियम आंच पर हम इसी तरह चलने देंगे इसको 5 से 10 मिनट के लिए। ये हमारी पकौड़ी बिल्कुल बनके तैयार है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और पकौड़ी को हम निकाल लेंगे। इसे बॉईल होते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें पकौड़ी डाल देंगे। पकौड़ी डालने के बाद ही हम इसे चलाएंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो पकौड़ी है वो अच्छे से फूल जाए। पकौड़ी डालने के बाद 3 से 4 मिनट हो गए हैं और पकौड़ी अच्छे से फूल चुकी है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। राजस्थानी स्टाइल में बनाई हुई ये कड़ी पकौड़े की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर गरम गरम चपाती के साथ खाएंगे तो ये और भी टेस्टी लगेगी। बारिश का मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, तीनों ही मौसम में ये बना के खाई जाए तो बहुत ही स्वाद लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा दाबाई, धन्यवाद।